जैसे मैं किचन में घुसा सुबह एंड मेरे को पता चल रहा है कि गैस ही नहीं है, सिलेंडर ही नहीं है। फटाफट ऑर्डर किया, अभी घंटे में आएगा या 1.5 घंटे में आएगा, आई डोंट नो, बट इतनी भूख लगी होती है ना सुबह। अभी आई विल हैव माय ब्लैक कॉफी, कल ग्रीन टी पी थी, मेरा पेट दर्द होने लग गया, पता नहीं क्यों, मतलब आई डोंट नो व्हाई। जी तो भैया, ये तो बहुत औखा हो रहा है भाई, चैलेंज। औखा नहीं हो रहा है, मतलब सेम रूटीन एक तो फॉलो करना पड़ता है, उस तो बाद जे बीच कोई इवेंट आ गया, ट्रैवल आ गया। यू हैव टू बी वर्सेटाइल। हां मेरे नाल भी होता, मेरे नाल तो रोज ही कुछ डिफरेंट होता एट द सेम टाइम, क्योंकि सेम सीन्स नहीं होते, सेम ब्रेक नहीं होती, राइट। बट मैं तो पता है, मैं सवेरे अपना टाइम जेड़ा हैगा ना, वो मैं उठ ही अपना होमवर्क कर लेती हूं, अपना आउटडोर वाला भी, अपना इनडोर वाला भी वर्क आउट, वो मेरा खत्म। फिर जरा बाकी मेरा खाण पीन का हैगा, अद्धा मैं पैक करके सवेरे कर लैनी हूँ अपना ब्रेकफास्ट, फिर तो जरा दूजे वाला हूँ वह मैं फिर इतने सैट बनवा लेनी हूँ शाम। मेरी ऑडियंस बिल्कुल अलग है, मतलब फिटनेस वाली नहीं है, नहीं 5% बोल सकते हो, तो वही 5% ही मेरा व्लॉग या हर चीज देखती है, क्योंकि बाकी ऑडियंस मेरी वो है चैलेंज वीडियोस, ट्रिप्स, एंटरटेनमेंट या जो भी है। हुण एक एवें लग रहा है कि एक नवी पौड़ी ते पैर रखे है, तो उन पौड़ी ते बहुत लोगों नूं मिलना है, तो बहुत लोगों नूं बुलाना है, तो बहुत लोगों नूं अलग चीज़ सिखानी है, क्योंकि स्टार्टिंग तो बहुत अलग समझ रहे हो, इट फील्स लाइक कि मैं ये काम फिर तो स्टार्ट किया है, एक नवी जीरो तो स्टार्ट किया है। हाँ यही सेम टॉपिक पे मेरी मम्मी नाल गल हो रही थी, मम्मी वाज सेइंग द सेम थिंग कि लोग इतने एंगेज नहीं हो रहे, एंड नहीं नहीं होता। फिर मम्मी ने मैं किया, मैं तो मम्मी ये चीज़ लेता, मैं भी डीमोटिवेट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने भी पता है कि एक नवी पौड़ी पे पैर रखे है, तो नवी ऑडियंस आऊंगी, बट विद टाइम। मम्मी कह रही है हां जेडी चीज तुसी कर रहे हो ना, कि हर कोई नहीं कर सकता, एंड इट विल टेक टाइम, बट इट विल हैपन। Yeah, I know. Can you are thinking or? नहीं नहीं, ये बंदर यार डिसिप्लिन है, हूँ रखा पैर, हूँ पंजवा दिन है मेरा, पूरा ले लो आ जाओ, पंजवा दिन है, उस तो बाद उधर भी यू नो फ्रूट एंड देन मिलते ही है, वो तो मैं पूरी लाइफ से कोई चीज़ देखी है कि कुछ भी करिए वो एंड चिक फ्रूट तो है ही है, बट वही ना मैं फ्रूट्स भी नहीं खा सकता। I'll send you something. Just go through it. And ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਟਿਪਸ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ 6 ਮਿੰਟਸ ਕਰਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, 6 ਮਿੰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ, ਲਵ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਲਵ ਯੂ। ਬਾਏ। खाना टाइम इट इज, आज चीज़ ख़त्म हो गया था, सो आई एम ओनली हैविंग 200 ग्राम्स ऑफ पनीर एंड सैलड, दैट्स इट, रोज सेम ब्रेकफास्ट होता है मेरा। एंड मैं भी कमेंट्स पढ़ रहा था, किसी ने कमेंट्स में लिखा है कि स्टार्ट पोस्टिंग 75 हार्ड ऑन योर रील्स एंड शॉर्ट्स, कि आपके इनसाइट्स उससे ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस इट्स नॉट अबाउट इनसाइट्स, मैं कुछ बड़ी चीज़ जो मैं समझ रहा हूँ एंड उसे बिल्कुल छोटा लास्ट में 15 सेकंड में मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि मेरे को पता है लोगों को अगर मोटिवेट करना है, लोग रील्स देखते रहेंगे एंड अगर कुछ मोटिवेशन वाली चीज़ दिखती है या लोगों ने कुछ चीज़ सीखनी है, आप रील से उसे सेव कर लेते हो, नो डाउट आप कर लेते हो सेव, बट आपने कभी वो सेव्ड फाइल बाद में देखी है, कभी सेकंड बार फिर से देखी है कि सेव्ड पे जाके वो चीज़ मैं फिर से पढ़ूँ वो 5 पॉइंट्स? नहीं। जब एक बड़ी वीडियो होती है ना,
बड़ी वीडियो में आप पूरा ध्यान से सुनते हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ 15 सेकंड में समझा दिए वो चीज़। इट्स लाइक तुम्हें 6 या 7 मिनट वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो वो दिमाग में तब घुसती है अगर उसका टाइम पीरियड लंबा हो। एंड फॉर मी इट्स नॉट ओनली अबाउट इनसाइट्स, इट्स अबाउट माई ओन हैप्पीनेस, क्योंकि मेरे को खुशी एक चीज़ प्रॉपर दिखाने में एंड प्रॉपर समझाने में है। सो मैं बहुत मतलब इंसान हूँ, मेरे को अपनी खुशी की पड़ी है, समझ रहे हो? डेट्स इट। तो मैं 75 अपना हार्ड यूट्यूब पे कंटिन्यू रखूँगा। 75 दिन के बाद जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो मैं रील्स पे डाल दूँगा, प्रॉपर क्लिप्स, प्रॉपर एडिट करके, यू नो, ट्रांजिशंस एंड ऑल। जिम टाइम इट इज़, एंड आज मैं लगाऊंगा चेस्ट ट्रेन करूँगा आज। जैसे कि आई टोल्ड यू डैट आई एम नॉट ए पर्सनल ट्रेनर, सो मेरे को इतनी एक्सरसाइजेस का नहीं पता कि मैं बॉडी देख के बता दूँ कि तुझे क्या एक्सरसाइज लगानी चाहिए। वैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ क्योंकि इतने टाइम से जिम किया हूँ लाइक रुक रुक के किया हूँ, बट मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मैं सिर्फ डाइट का बता सकता हूँ कि भाई मोटा होना तो ये खा, पतला होना तो ये खा, मास गेन करना तो ये खा। सो मैंने अपना पूरा वर्कआउट प्लान अपने ट्रेनर से ले लिया है, क्योंकि ही इज़ ए न्यूट्रिशनिस्ट एंड पर्सनल ट्रेनर एज वेल, अपना पुराना ट्रेनर मिस्टर अरविंद सी बी। तो मेरा वो वर्कआउट प्लान भी आ गया, सो आज हम ट्रेन करेंगे चेस्ट, एंड मैं वो एक्सरसाइजेस भी लिखता रहूँगा करते करते ऊपर, सो डैट इफ़ यू वॉन्ट टू कॉपी और इफ़ यू वॉन्ट टू डू द सेम एक्सरसाइजेस विद मी इफ़ यू आर गोइंग टू जिम, यू कैन डू, मज़ा आएगा, इकट्ठे करेंगे। सो लेट्स गो जिम। वर्टिकल फॉर्मेट में अभी मैंने शूट करना स्टार्ट किया ना, तो काफी अर्ष भाई 3-4 बार पूछ रहे क्या हो गया इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे, क्योंकि कैमरे की वो चेंज करना पड़ रहा है ना बार बार, तो वो करना पड़ा। अर्ष भाई ने बोला है कि कितना एक हफ्ते में आदत पड़ जाएगा, तो अभी मैं वही देख रहा हूँ और बार बार रीचेक कर रहा हूँ, क्योंकि व्लॉग्स की तो आदत पड़ी हुई है, बट ये 1 मिनट के अंदर अपना सारा बेस्ट निकाल के दिखाना और वो सब चीज़ें, क्योंकि मेरे को और अर्ष भाई दोनों को बहुत बात करने की आदत है, और अभी चुप रहना बिल्कुल 1 मिनट में बोल देना सब कुछ मुश्किल है। आपके आप रील्स या शॉर्ट्स पे ज्यादा बनाओ, मैंने यही चीज बोली कि मैं लंबे में ही समझा सकता हूँ, बोलने की आदत, बोलने की आदत बहुत है, बट अभी आ जाएगा डे वन गाइस। अगर आप देख रहे हो ये तो जरूर द यश आनंद इंस्टाग्राम पे जाके चेक जरूर करना, और हैशटैग अर्शफैम डाल देना, से समझ में आ जाएगा कि अर्श भाई की तरफ से आए लोग। नहीं आएंगे चलो मिलते हैं। चलो भाई अभी जिम जा रहे हो ना? ठीक है, कल मैं भी करेंगे, इकट्ठे चलते हैं। कल अभी मील लेके फिर निकलूंगा जिम के लिए। बाय। का भी स्टॉक आया हुआ है, पूरा भरा हुआ है, कोई बात नहीं, भरा हुआ है, सब ओरिजिनल ही है भैया। कॉल करता हूं मैं, मेरा थोड़ा फोटो ले लो भैया। ओरिजिनल का क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? हेल्थ कार्ड की शॉप, ओरिजिनल का मतलब हेल्थ कार्ड भैया बहुत अस्त्र है। बस पहली बार नहीं ले रहा हूँ, चौथी पांचवी बार ले रहा हूँ, मजाक करता हूँ, मुझे पता है आपका मुंह से ही मजाक लग रहा है। बाल्टी लिए खाना, क्योंकि घर पे पार्टी भी नहीं थी।
भाई भी फटाफट चेक कर दो ओरिजिनल है या नहीं। Congratulations. Our product is genuinely and 100% authentic. Dinosaur. बाल्टी मैंने पहली बार ली है एंड आप स्कूप पे भी चेक कर लिया करो कि हाँ कि ओन लिखा हो, स्कूप पे भी लिखा होता है, बीच में पैकेट है ज़रा। लेट्स डू द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। वैसे मैं इससे भी डाल सकता हूँ प्रोटीन पैकेट में से। आई थिंक ये भी चलेगा। डन विद माई आउटडोर वर्कआउट पूरा 45 मिनट्स, 20 मिनट वॉकिंग की होगी, 20 मिनट जॉगिंग रनिंग मिक्स एंड 5 मिनट थोड़े पुशअप्स। मज़ा आ गया आज, थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, मज़ा आ रहा आज। और फिफ्थ डे इट इज, लेट्स गो। स्किन भी साफ हो रही है। वेरी हार्ड। हाय एवरीवन, मैनिफेस्ट टाइम। मैनिफेस्ट मतलब टू मेक समथिंग हैपन। उसके बाद हमने पढ़े थे उसके स्टेप्स टू बी क्लियर इन योर विजन एंड उसमें पढ़ा था हमने कि हमें एक विजन बोर्ड बनाना चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप था रिमूव ऑल द फियर एंड डाउट्स, क्योंकि हम जब कुछ सोचते हैं तो हमें हमारे दिमाग में बहुत फियर एंड डाउट्स आते हैं, तो उसे कैसे रिमूव करना है उसकी हमने 4 टेक्निक्स पढ़ी थी। चौथी डिस्कस करनी है, 3 पढ़ी थी। पहला था मास्टर योर थॉट्स, सेकेंड था वॉच योर लैंग्वेज एंड थर्ड था यूज मंत्रास। ओके, बाकी डिटेल में समझने के लिए आप पिछले ब्लॉग्स देखें। अब फोर्थ मंत्र है हमारा प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। फियर एंड डाउट निकालने के लिए हमें रोज़ अपने जो हम विजुलाइज कर रहे हैं उसे प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जांपल हमें मेडिटेट करना है। जब हम मेडिटेट कर रहे होंगे, जब हम सांस ले रहे हैं 4 सेकंड अंदर 4 सेकंड बाहर, उसके बाद हमने वो विजुलाइज करना है कि हमें क्या चाहिए, हमारा क्या ड्रीम है, उसके पीछे क्या फियर एंड डाउट आ रहा है एंड उसे हमने इमेजिन करना है एज ए, जैसे फियर एंड डाउट एक बहुत बड़ा गोला ले लो, आंखें बंद करके मेडिटेट करो, एक बहुत बड़ा गोला है एंड वो ही गोला फियर एंड डाउट सोचो एंड छोटा हो जा रहा है एंड एक ब्राइट लाइट आ रही है जो वो आपके फियर एंड डाउट्स को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। इसका और भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे हमारा एग्ज़ाम है, हम क्या सोचेंगे, यार अगर मैं फेल हो गया, यार अगर बैड न्यूज़ आई, यार मेरे घर वाले क्या बोलेंगे। सो हम ये चीज़ सोचते हैं, ये हमारे फियर है, तो इसकी जगह हमने सोचना है यार रिज़ल्ट आ रहा है या एग्ज़ाम आ रहा है, मेरे को ये पास करना है एंड उसके बाद एक बढ़िया सी न्यूज़ आएंगी, घर वाले उछल के मेरे को चप्पी डालेंगे, पप्पिया करेंगे एंड मेरी तारीफ पूरी कॉलोनी में करेंगे। तो इसी चीज़ को रिपीट करते रहो हफ्ते तक, उसके बाद आपका एग्ज़ाम खुद अच्छा होगा, क्योंकि आप जो विजुलाइज़ कर रहे हो आप उसकी तरफ जाना चाहोगे, आप देखना चाहोगे अपनी मम्मी को टपुसियाँ मारते हुए, ओए मेरा गुगलू बुगलू 100 to 90 वाचिवा 95, एंड वो चीज़ आपने फील भी करनी है कि कैसा आपको फील होगा अपनी मम्मी को प्राउड देख के, अपने पापा को प्राउड देख के, अपने गवांडियों को जेलस देख के। तो ये थी हमारी चौथी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन, अच्छी चीज़ विजुअलाइज करो। एंड उसके बाद और भी चीज़ें बताई है दैट सेल्फ लव के बारे में, कि सेल्फ लव इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बिगिन टू कल्टिवेट सेल्फ लव। मतलब सो सेल्फ लव का पहला पॉइंट था कि बिकम अवेयर एंड माइंडफुल। फॉर एग्जांपल अगर मैं सुबह सुबह न्यूज़ देखता हूँ, मैं न्यूज़ रोज़ देख के मेरे को ऐसा लगता है यार आज ये हो गया, आज पूरा दिन मेरा ख़राब जाएगा, ये मैंने क्या देख लिया। सो इंस्टेड ऑफ दैट योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो। सेल्फ लव मतलब यही है कि आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है सो उस पे ज़्यादा ध्यान दो एंड अपने आप को प्यार करो। एंड दूसरा इसका पॉइंट था कि ऑनर योर सेल्फ। इसमें बस ये बताया था कि वॉट एवर यू डू, डू योर बेस्ट एंड हमेशा हमारा बेस्ट चेंज होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज कोई चीज़ पर पूरा अपना 100% दे रहा हूँ, तो जब वो चीज़ अचीव हो जाएगी एंड उस पर भी मेरे को आगे काम करना पड़ेगा, सो उस पर भी मेरे को अपना बेस्ट देना पड़ेगा। सो हमारा बेस्ट हमेशा चेंज होता है, सो ऑलवेज डू योर बेस्ट। एंड इसका एक और पॉइंट था कि ऑनर वेयर यू वांट टू बी टुमारो। फॉर एग्जांपल इतना भी सेल्फ लव मत करो। इसमें बताया था कि अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ
एंड ऑफिस में मैं ऐसा सोच रहा हूँ यार मेरे से नहीं काम होगा यार, मैं तो जा रहा हूँ मूवी देखने, वर्किंग आवर्स में लस्सी भी हुई है बार बार टिका रही है यार। सो वर्किंग आवर्स में आप कहीं पे भी जा रहे हो, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपना फ्यूचर जो आप देख रहे हो, जो आपने ड्रीम किया है, उसको भी ऑनर करो, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उसको इतना अपना लो कि आपको वो काम बोरिंग ना लगे, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि हाँ ये काम ही मेरा असली काम है जो मेरे को फ्यूचर तक पहुँचाएगा। सो इट्स ए गुड थिंग कि आप मूवी देखो या जिम जाओ या जो भी ऐसी चीज़ करो जिसमें आपको मज़ा आए, बट अपने फ्यूचर का भी, अपने ड्रीम को भी ऑनर करो, दैट वेयर यू वांट टू बी टुमारो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सेल्फ लव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम काम कर रहे हैं वही हमारा काम आगे, हमारा ड्रीम भी कंप्लीट करेगा। सो ऑनर योर ड्रीम्स, ऑनर वेयर यू वांट टू बी टुमारो। एंड एक नया टॉपिक अलग स्टार्ट हुआ था इसमें सेकेंड स्टेप में, फॉरगिवनेस एंड नॉन जजमेंटल। मतलब हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लेके बैठ जाते हैं, सो वो हमारे रास्ते ड्रीम तक के पहुंचने के ब्लॉक कर देते हैं। इसमें बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी, एक लड़की की एग्जांपल दी थी जो ऑथर की ही क्लाइंट थी, जिसने जिसके साथ दो लड़के चीट कर जाते हैं एंड उसके बाद वो उसको वही बता रही थी कि ये तो वही स्ट्रेस, वही अपना यू नो कॉन्फिडेंस कि आगे मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगी, तो उसे ब्लॉक किया हुआ था, तो उसका फ्यूचर भी ब्लॉक था एंड वो लड़कों पे भी ट्रस्ट नहीं करती थी। सो ऑथर ने उसे एक मंत्रा बोला बोलने को कि ये मंत्रा रोज़ प्रैक्टिस कर, एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता। वो मंत्रा था, माई पास्ट डज नॉट डिक्टेट माई फ्यूचर। मेरा पास्ट मेरा फ्यूचर नहीं लिख रहा। सो बस यही था लास्ट पॉइंट। सो अपने ब्लॉक्स, अपने रस्ते निकालो, स्ट्रेस निकालो एंड आगे बढ़ते रहो। जय हिंद। इसी बात पे डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एरा सच एफएमएस फैम।